अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक है, साजिद बात कर रहा हूँ। आज आए हुए हैं हम बच्चर भाई के पास, आजम भाई के पास। ये हमारे जो है ना आजम भाई, माशाल्लाह से बशर भाई की तरह है, तो बड़ी जबरदस्ती कुकिंग करते हैं जब भी कोई। हाँ जी आजम भाई, क्या हाल है? ये किस चीज की कुकिंग हो रही है आज? यार ये मेरे बेटे ने कुरान पाक खत्म किया है, उसकी आमीन है। उसने कहा पापा आपने गोश्त खुद बनाना है। माशाल्लाह से आज मैंने अपने भाइयों की दावत की हुई है। माशाल्लाह ठीक है, और इंशाल्लाह इनको खाना खिलाएंगे। और अपने बेटे की आमीन की हुई है, उसने कुरान पाक खत्म किया है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने फजलो करम से, और अल्लाह ताला सबको हिम्मत दे, सबके बेटे जो है ना वो कुरान पाक की हिफ्ज़ करें। और तो ये माशाल्लाह से भाईजान बड़ी जबरदस्ती कुकिंग कर रहे हैं, और देखिए कैसे हवा सी निकल रही है, धुआं सा, हम मजे मजे का। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया गोश्त बना रहे हैं। और जब भी कोई वगैरह आती है ना, तो फिर आजम भाई कुकिंग करते हैं, बड़ी जबरदस्त कमाल की कुकिंग करते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे खाने का टेस्ट भी कैसा है इनका, तो हमारे साथ रहिएगा। माशाल्लाह जी, सालन आ चुका है बहुत ही मज़े का। माशाल्लाह जी, हम इस बर्तन में इसलिए नहीं खा रहे, हमारी फैमिली छोटी है, तो जितना हमने खाना है उतना डाल लेंगे, फिर और डाल लेंगे। तो हाई साहब से पूछो, और पापा जी ने पूछ, क्या मज़ा आया जी? और जी ये हमारा जो भतीजा है ना, जिसने माशाल्लाह जिसकी आज आमीन है, ये मालिक साहब। मालिक साहब क्या हाल चाल है, कैसा लग रहा है एक चीज अचीव करके? शर्म आ रही है। अच्छा जी, नहीं आपने, अच्छा आपको कुछ सूरत वगैरह आती है? सुनाओ। إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم آمين। अब ये पकड़ो पकड़ो, वो कित गए लाली गए, ये पकड़ ये पकड़, और चीज खाली फड़ लो फड़ लो, खोलो खोलो, टाइम तो सब खोलो। वाओ, मालिक की बेगम का सूट है, इधर से खोलना बेटा, ऐसे करके। पिज़्ज़ा खाएंगे, और इसका क्या बना? गाइस दावत शावत हमने खा ली है, तो अभी चलते हैं हम फैक्ट्री। फैक्ट्री में काफी हैवी था, एक दो काम है, और वो आपको दिखाते हैं, आपसे शेयर करते हैं। चलें फैक्ट्री। A few moments later, गाइस ये रास्ता बना हुआ है, इधर से हम आए हुए हैं जंगलों में, जंगल पानी में, तो ये इधर से रास्ता क्यों बना हुआ है? इधर से इधर कोई झाड़ी माड़ी है, कोई सांप सूप तो नहीं होगा? ढूंढो कोई सांप है। आ यार जरा चला जाए, बंद करो, इसमें मिट्टी डालो, ट्राला मंगवाओ एक। ये अंदर क्या हो रहा है? ओए बड़ी बड़ी फैक्ट्री है कोई अंदर, इतना बाल्टी के बाहर तो उठ के भी नहीं निकल। वो क्या पड़ा हुआ है? डॉक्टर। और ये गाइस हम आए हुए हैं, एक प्लाट खरीदा है बहुत बड़ा सारा, इधर बड़ी शुगर मिल लगाने लगे हैं। मलिक साहब आप लगा रहे हो कि मैं लगा रहा हूँ? अच्छा जी, इंशाल्लाह लगाएंगे। तो सुपर मिल ये जगह ली है, उसके विजिट पे आए हैं। और ये जी ऊपर उठ गई है, और टक्कर हो गई।
गेट से आगे क्रॉस कर ली इन्होंने। अभी ये क्रेन है ऊपर लगाएंगे शेड पे, तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिएगा, हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे, बड़ी ज़बरदस्ती बनेगी। तो ये ऊपर क्रेन लाए हैं, बड़ी हैवी किस्म की है, अभी जस्ट तार देंगे। नेक्स्ट स्टार्ट हो गई है, वेरी डेंजरस। हाँ अब वो नीचे रखने लगे हैं लगता है उधर साइड पे करके, तो क्रेन का रास्ता भी बंद हो जाएगा। ऐ घूमने लगी है, ऐ घूम। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। गाइस हम घर आ चुके हैं। वो एक्चुअली हुआ क्या था कि वो क्रेन जब नीचे तार रही थी ना, तो थोड़ा सा नुकसान हो गया, एक आदमी के चोट वगैरह भी लगी, तो उसको वो फिर हॉस्पिटल वगैरह लेके चले गए थे। तो वो जो काम था ना, वो हैवी काम, वो थोड़ा पेंडिंग हो गया, उस वजह से वो डिले हो गया, तकरीबन 5-6 दिन लेट हो गया। तो वो जब इसको फिटिंग वगैरह करेंगे, सारा सिस्टम दिखाएंगे, वो आपके साथ लाजमी शेयर करेंगे। तो अभी हमें दीजिए इजाज़त, अपनी दवाओं में हमें याद रखिए, अल्लाह हाफिज़।